इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है देखो मैनेजमेंट इज नियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं ये रिसोर्सेज आपका टाइम भी हो सकता है आपकी जेब में पड़े सौ रुपए का नोट भी हो सकता है अब आप चाहो तो अपने टाइम को पढ़ाई में यूटिलाइज करके उसको अच्छा मैनेज कर सकते हो या फिर आप, आप मस्ती करके उसको मिसमैनेज भी कर सकते हो वहीं आपके पास सौ रुपए पड़े हैं आप उससे हेल्दी स्नैक्स खा सकते हो फ्रूट्स खा सकते हो बट वहीं आप सो का कुछ जंक फूड भी खा सकते हो आप मिसमैनेज कर सकते हो सो so, मैनेजमेंट क्या है एफिशिएंट या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग अब बात करते हैं कि जो हमारे थ्योरिस्ट ने क्या कहा है मैनेजमेंट के बारे में सो हेनरी फयोन वन ऑफ द रिनॉन्ड थ्योरिस्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ही हैज डिफाइंड मैनेजमेंट इन आई वुड से दीज फोर कीवर्ड्स ये फोर की आपको ध्यान रखने हैं कभी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी हो मैनेजमेंट पे तो आप इनका यूज कर सकते हो तो पहला है हेनरी फेल डिफाइंस इट एज द कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव थ्रू अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस मतलब मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए कंडक्ट ऑफ अफेयर्स है यानी कि प्रोसेस है और वो प्रोसेस कैसा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है वन टाइम प्रोसेस नहीं है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड उसके अंदर अगर प्रॉपरली मैनेज है वो कब होगा जब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस होगी ठीक है आपको ऐसे इसको याद रखना है ठीक है दिस इज व्हाट हेनरी फ्योल सेड अबाउट मैनेजमेंट वैसे मैनेजमेंट का अगर लिटरल मतलब निकाले तो वो होता है कि टू कंट्रोल टू कंट्रोल बाय हैंड। मतलब किसी चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो उसको मैनेजमेंट कहते हैं इन लिटरल उसके अलावा एक और चीज है कि आप इसको याद करने के लिए ये भी कह सकते हो मैनेजमेंट इज ऑप्टिमली यूजिंग दाइव एम्स अब ये फाइव एम्स क्या है इसकी बात कर लेते हैं तो पहला एम जो है हमारा मैन मैन यानी वर्क फोर्स इनको ऑप्टिमली यूज़ uh, करना है। मशीन मशीन क्या हो गया जो भी आपका uh, आप, कैपिटल प्लांट है मशीन अगर प्लांट आपका और वहां की मशीन है तो वो मशीन हो गई यहां पे उस मशीन को करना है। मतलब मशीन का आपको ओवर हीट नहीं करना है उसका प्रॉपर यूज करना है उसको प्रॉपरली uh, सर्विस देनी है प्लस मशीन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि अच्छा प्रोडक्ट निकले सो so, मशीन का ऑप्टीमेली यूज इज ऑल्सो इज ऑल्सोर मटीरियल मटीरियल आपको हो गया कुछ भी हो सकता है मटीरियल अगर आप जैसे स्टील के प्लांट के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए आपको रो मटीरियल चाहिए होगा आपको माइंड से जाके स्टील लेके आना पड़ेगा स्टील तो बेसिकली नहीं आपको जो भी स्टील के अंदर लगता है आयरन लगता है हमारा कार्बन लगता है वो सब प्रोक्योर करना पड़ेगा वो अच्छी क्वालिटी का प्रोक्योर होना चाहिए मतलब वहाँ पे कंटेमिनेशन कम से कम होनी चाहिए बेसिकली तो आपको मटेरियल कैसा है वो तो आपको ध्यान रखना है मैन मशीन मटीरियल कम्स मनी आपके पास मनी है कंपनी में आप मनी का कैसे यूटिलाइज कर रहे हो क्या आप मनी को अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो आप अच्छी क्या आप जो अपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए उससे आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है है ना और वजीज अगर आप वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते वहां से रिटर्न कैसा मिलता तो जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे अच्छा पैसा आपको मिलना चाहिए कंपनी को तभी अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगी देन कम्स मैथड एंड मैथड सो दीज आर द दाइव एम्स मैन मशीन मटेरियल मनी एंड मैथड देखो आ, ये जो चीजें है ना ये जब मैनेजमेंट का असली जो कोवर निकल के आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद निकल के आया था आई वुड से कि मिड नाइनटीन सेंचुरी लगा लो आप आ, है ना तब तब हमारा काफी ज्यादा मैनेजमेंट का स्कोप हुआ था तब ये सारी थ्योरीज आई थी तो ये जो चीजें लिखी गई है ना ये तब के आ, उसके रेलिवेंसी के हिसाब से लिखेंगे बट दीज थिंग्स आर स्टिल रेलवेंट मतलब आप इनको एग्जाम में आज भी लिख सकते हो ऐसा नहीं है कि ऑप्शिलिट हो गई है बट दीज आर स्टिल रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम आप सीधा एग्जाम में लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज Uh, 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 भूल गया मेथड में आप, आप कैसा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो लेट से कोई न्यूक्लियर प्लांट है अब वहां पे आप फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं रख सकते मतलब फ्लेक्सिबल मेथड नहीं रख सकते हो आप वहां पे आपको स्ट्रिक्ट और रिजिट मेथड रखना पड़ेगा वहां पे वही काम करेगा अगर आपने वहां पे फ्लेक्सिबल मेथड रखा तो इट विल बी रिस्कियर फॉर यूर कंपनी फॉर द न्यूक्लियर प्लांट बेसिकली ठीक है तो मैन मशीन मटेरियल मनी एंड मेथड इसके अलावा इसके अलावा मैं दो दो थ्योरिस्ट के नाम लेने वालों जिन्होंने मैनेजमेंट को बड़े सरल शब्दों में बताया है पहला है बाय पहला है बाय कूंस सेकेंड कुंज ने कहा है मैनेजमेंट इज वट मैनेजर डज मैनेजमेंट वो है जो एक मैनेजर कर रहा है सिंपल अब इसके अलावा एक और थ्योरिस्ट थे हमारे मैरी पार्कर उन्होंने कहा, कहा था मैरी पार्कर ने कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पब्लिक मतलब आप दूसरों से यानी पब्लिक से कैसा अपने काम निकलवा पा रहे हो वो मैनेजमेंट है सो is गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पब्लिक ठीक है ओके okay. तो हमने समझ लिया बेसिकली कि मैनेजमेंट क्या होता है हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए काफी हमने आपको डेफिनेशन भी दे दिया जो डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो इसके बाद प्लस अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हु सेड मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर ड तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए कून सिमिलरली आपको मैरी पार्कर का नाम भी याद होना चाहिए हेनरी फेल का नाम भी आपको याद होना चाहिए देखो कुछ थियोरिस्ट है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए इवन डिस्क्रिप्टिव में कोई क्वेश्चन आता है आप उनको मैंशन करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव में भी वो पूछ सकते हैं थ्योरिस्ट का नाम यू विल से आगे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया है ओके okay, uh, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिन्होंने अपने जो हैव वेरी सक्सेसफुली सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड्स ये इनका एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि दे आर द बेस्ट सूटेबल आई वु पीपल फॉर गिविंग राइटिंग इन डिस्क्रिप्टिव क्या मैं लिख uh, 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 सकते हो कि इन्होंने इतने सक्सेसफुली चीजों को मैनेज किया है कि दे हैव बिन एबल टू मेक देयर नेम पहला एग्जाम्पल है यहां पे शिव जी फ्रॉम एच सी एल ही फाउंडेड

ओके okay. अब हम क्वेश्चन करते हैं आप एक क्वेश्चन करिएगा एक बार वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले एंड और उसको सॉल्व करिएगा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो सो so, uh, देखो यहां पे क्या पूछा गया है यहां पूछा गया है कि रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट विच बीन प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड विद ड्यू कंसिडरेशन टू क्वालिटी इज कॉल्ड एज डैश देखो यहां पे आपको दो पॉइंट कंफ्यूजन हो रहा होगा

चीजें पढ़ी मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छे से